वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मिड ईयर रिवीजन। बुक है हमारी 3A प्राइमरी मैथमेटिक्स, पेज नंबर है 187। सो फर्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर्स, राइट इट्स नंबर 1, 2, 3 और 4 इन द ब्रैकेट। यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें ये वाले नंबर्स को सेलेक्ट करके लिखना है जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर वन है इन 1234, विच डिजिट इज इन 100 प्लेस। 100 के प्लेस पे, 100 वाली जगह पे कौन सा नंबर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेसिंग कर लेते हैं, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। सेकेंड हमारे पास है द टेबल शोज द मास ऑफ 4 चिल्ड्रंस वेन दे वर बेबीज। बेबीज थे तो इनका मास या इनका वेट जो है वो लिखा हुआ है। हु वेट द लीस्ट, सबसे कम वेट किसका था? तो हम चेक कर लेते हैं, 3000 ज़्यादा है, 2929, ये 2958 है, ये 2985। इसका मतलब दिस वन इज द लीस्ट वेट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सिटी, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट हमारे पास 64/8, एंड यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पेंटागन शेप। इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? तो 8 के टेबल में 64 कब आता है? 8 8 64 होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। उसके बाद है हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 6000। 6000 में कितने टेंस होते हैं? कितनी दफ़ा 10 आता है 6000 में? तो 6000 में कितनी दफ़ा 10 आता है कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 6000 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 10 के टेबल, तो हमारे पास 10 के टेबल में 60 आता है 6 पे, 10 6 60, रिमेनिंग 2 जीरोस हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो गया 600। इसका मतलब 6000 में 10 जो है वो 600 टाइम्स आता है, ऑप्शन नंबर 3। अ टेबल कैन सीट 4 पीपल, एक टेबल पे 4 पीपल्स बैठ सकते हैं। 13 सच टेबल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एज शोन, ये 13 टेबल्स प्लेस हुई हैं। हाउ मैनी पीपल कैन बी सीटेड एट द टेबल, कितने लोग बैठ सकते हैं कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, हम सिंपली अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट हम देख सकते हैं टेबल जो है वो आपस में बिल्कुल पैक करके अरेंज हुई है, तो हम इसमें काउंट कर लेंगे। 1 टेबल यहाँ, चेयर यहाँ आ जाएगी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और यहाँ आ गया 28। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, 28 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बीकर, बीकर में कितना वाटर है, कितना पानी है? तो यहाँ पर हमारे पास 500 ml है, 50 का गैप है, 50, 100, 150, 200, ऑप्शन नंबर 2। देन एक्सप्रेस 5 kg 90 grams इन ग्राम। 5 kg यानी कि 5000 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 5090, दिस वन 5090, ऑप्शन नंबर 3। अहमद रैन 1630 meter एंड सैम रैन 530 meter लेस देन हिम, इससे कम। हाउ फार डिड टू बॉयज रन ऑल टुगेदर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि सैम ने कितना रन किया, 16 minus 530। तो पहले हमने क्या किया, सैम की रनिंग मालूम की कि सैम ने कितना रन किया है। 1630 में से 530 कम है तो हमने माइनस कर लिया, तो यानी ये हो गया सैम की रनिंग 1100 और अहमद की रनिंग 1630। अब हमें बताना है हाउ फार डिड द टू बॉयज रन ऑल टुगेदर, तो हमने इन दोनों की रनिंग को प्लस कर लिया, 2730 यानी कि 2002 किलोमीटर 730, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ लॉन्गर इज इट, विच पेंसिल इज लॉन्गर। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, पेंसिल ए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड पेंसिल बी
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, तो हम इलेवन। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पेंसिल बी इज़ वन सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए, बिकॉज टेन और इलेवन तो वन सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो पेंसिल बी ऑप्शन नंबर टू। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस की टाइप आ गई। अ रोप इज कट इन टू टू पीसेस, एक रोप है, एक रस्सी है जिसको टू पीसेस में कट किया गया है। द सेकेंड पीस इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेकेंड पीस 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द फर्स्ट पीस, फर्स्ट पीस से 12 सेंटीमीटर लॉन्गर है। हाउ लॉन्ग इज द फर्स्ट पीस, फर्स्ट पीस कितना लॉन्ग होगा, तो हम क्या करेंगे 50 माइनस 12 कर लेते हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 एंड 12 4, और ये 10 हो गया, 8 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ आ गया 38। सो हाउ लॉन्ग इज़ द फर्स्ट पीस, द फर्स्ट पीस इज 38 सेंटीमीटर लॉन्ग।